लोकतंत्र के परिणाम के अंतर्गत आज हम लोकतंत्र के पहलू का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत पहला बिंदु है राजनीति। इस बिंदु के अंतर्गत सहमति और राजनीतिक समानता सरकार की जरूरत होती है। सरकार यह चाहती है कि जनता की सहमति उसके साथ हो। इसके साथ साथ लोकतंत्र में जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार निर्धारित है उसके अनुरूप उस योग्यता को प्राप्त करने वाले स्त्री पुरुषों को निर्विघ्न अपने वोट का प्रयोग करने का जो है वह स्थिति बन सके। तो इस तरीका से सरकार इस बात का हमेशा ख्याल रखती है लोकतंत्र में। दूसरा बिंदु है सामाजिक। सरकार यह भी चाहती है कि सामाजिक स्थिरता बनी रहे, समाज में शांति का माहौल बना रहे, ऊंच नीच जाति और वर्ग भेद नहीं हो, ताकि देश गृहयुद्ध का सामना नहीं करे। लोकतंत्र में यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। तीसरा बिंदु है आर्थिक। इसके अंतर्गत सरकार की नजर आर्थिक समानता पर भी होती है। सरकार ये नहीं चाहती है कि संपत्ति समाज के कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित रहे। जो गरीब है उसके भी उत्थान के विषय में सोचती है और उनके लिए जो कदम हो उचित होता है वह उठाती है। अब लोकतंत्र के पहलू के अंतर्गत जिन बिंदुओं का अध्ययन हमने किया है उसके बाद अब हम चलते हैं लोकतंत्र के पक्ष में तर्क और इसके विपक्ष में भी तर्क। सबसे पहले पक्ष में तर्क। निर्णय लेने की प्रक्रिया नियमों और प्रक्रियाओं पर आधारित होती है। इसमें पारदर्शिता नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया का परीक्षण करने का अधिकार और माध्यम होते हैं। सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। लोकतंत्र में ऐसी प्रणाली होती है जिससे सरकार को जवाबदेह बनाया जा सके। इसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया में नागरिकों के हिस्सा लेने की प्रणाली होती है। अब हम इसके विपक्ष में जो तर्क है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। निर्णय लेने की प्रक्रिया का परीक्षण करने के पारदर्शिता अधिकार एवं साधन नहीं होते हैं। इसमें जवाब सरकार जवाबदेह नहीं होती है। न प्रणाली ऐसी होती है निर्णय प्रक्रिया नियमों एवं प्रक्रियाओं पर आधारित नहीं होती।